तो आज मैं बनाने वाली हूँ क्रिस्पी मैगी पकोड़ा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम किचन। तो मैगी पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 पैकेट मैगी। मैगी को हमें इस तरह हाथों से क्रश कर लेना है। मैगी को क्रश करने के बाद हम इसे पका लेंगे। तो मैगी को पकाने के लिए हम एक पैन में लेंगे 1 ग्लास पानी, फिर मैगी के पैकेट में जो मसाला आता है वो डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 पैकेट मैगी मसाला या मैजिक डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने जो मैगी क्रश करके रखी थी वो डालेंगे और अब हम मैगी को बॉईल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मैगी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमारी रेडी की हुई मैगी में हम 1/2 कप कैप्सिकम डालेंगे, 1/2 कप प्याज डालेंगे, 1/2 कप कैबेज डालेंगे और 1 कप ग्रेट किया हुआ कैरेट डालेंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप सूजी डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 1 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालेंगे और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ सूजी इसलिए डाला क्योंकि हमारे मिक्सचर का एक्स्ट्रा मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर ले। जो हमारे वेजिटेबल्स हमने डाले हैं उसमें से जो मॉइस्चर निकलेगा वो हमारा सूजी एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि हमारा बैटर ज़्यादा वेट ना हो जाए। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए 1/2 कप बेसन डालेंगे। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर इस तरह बॉल जैसा बन रहा है। अगर ऐसा बॉल जैसा ना बने तो आप इसमें और थोड़ा बेसन ऐड कर सकते हैं, पर हमें बेसन ज़्यादा ऐड नहीं करना है वरना हमें बेसन का ही टेस्ट आएगा। तो अब हमारा मैगी पकौड़ा का बैटर रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो अब पकौड़े फ्राई करने के लिए हम ऑयल को गैस पे गरम करने के लिए रखेंगे। तो अब हमारा ऑयल गरम हो चुका है, तो अब हम मैगी पकौड़े के बैटर को हाथ में इस तरह थोड़ा थोड़ा लेके ऑयल में फ्राई करने के लिए डालेंगे। हमें मैगी पकौड़ों को लो मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पकौड़े क्रिस्पी ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मैगी पकोड़े कितने बढ़िया बने हैं। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और टेस्टी भी इतने बने हैं कि आप इसे बार बार बनाएंगे। तो आप भी इस मॉनसून की सीज़न में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।